हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम 10 नवंबर को हुआ है उसकी आंसर की और सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपने आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कौन सी सीरीज़ का है? सी सीरीज़ है और टेट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन को कवर कर रहा हूँ। तो चलो वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज़ अबाउट। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टील। अगर आप बात करते हैं गैसेस, लिक्विड या सॉलिड में, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपने ऑप्शंस को चेक करते हो यहाँ पे, तो स्टील इज़ द ओनली सॉलिड, ठीक है। तो दैट्स वाई स्टील में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी दैट इज़ मैक्सिमम। इसमें आप वो वाला एग्जाम्पल ले सकते हो कि ट्रेन की पटरी पर अगर आप कान लगाते हो तो आपको ट्रेन की आने की आवाज़ जल्दी पता चल जाती है एज़ कम्पेयर टू एयर के कंपेरिजन में। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज़। तो इसमें जो फ्रेंड्स जो इसके ऑप्शंस हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इसके सभी को ग्रेस मार्क्स मिल जाएं। तो इसका जो राइट आंसर था वो 3422 डिग्री सेल्सियस होना था। तो ऑप्शन में ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, द साउंड वेव इन ईयर आर। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पिच ऑफ दीज इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। तो ऑब्वियसली सोलर सेल में सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज सिलिकॉन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाइड टू कंज्यूम इन इंडिया इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, दैट इज 50 हर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्सेलेटेड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलेशन इज गिवन बाय। तो ऑब्वियसली एफ इज इक्वल टू एम ए कौन सा लॉ देता है न्यूटन का? तो सेकेंड लॉ। राइट आंसर इज द बी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये एक्सप्लेन करता है, जिसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। तो इसमें राइट आंसर रहेगा सी, दैट इज सिलेरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो नैनोमीटर रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइज 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 10√2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो ऑब्वियसली कंडक्शन मेटल के थ्रू होती है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू अदर एंड व्हेन डिप्ड इन हॉट टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ए मैरी गो अराउंड इन मूविंग एट ए नॉन वेरिंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इंप्लाइज दैट ऑप्शन ए, इट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज अल्ट्रासाउंड्स कैन बी सॉरी इम्प्रासाउंड्स कैन बी हर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, राइनोसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज कर्व्ड लाइन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ,
ए बर्ड फ्लाइंग एट द सर्टेन हाइट प्रोसेसेस, तो इसमें दोनों ही होती हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ओनली। क्वेश्चन नंबर 18th, ए पर्सन यूजेस बाइफोकल लेंसेज फॉर द करेक्शन ऑफ, तो बाइफोकल लेंसेज जो यूज़ किए जाते हैं वो बोथ ए और बी दोनों तरह के डिफेक्ट के लिए यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज 40 kg, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर विल बी, तो 40 kg ही रहेगा क्योंकि मास वेरी नहीं करता है, वेरी क्या करता है, वेट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, तो सभी में साउंड ट्रेवल कर सकती है, तो डी इज द राइट आंसर, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। नेक्स्ट, ए पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर्स टेक मोर टाइम, द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट एट हाई एल्टीट्यूड्स, इसका राइट आंसर रहेगा प्रेशर इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 22nd, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, दैट इज द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है फ्रेंड्स वो किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd, द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली, तो कैल्शियम सल्फेट होता है केमिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बट हाफ हाइड्रेटेड होता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इसका भी शायद ग्रेस मार्क मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24th, बट इज द डीडी अमंग द फॉलोइंग, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो डीडीडी इज ए नॉन पोल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोजन इज, तो इसके लिए ग्लोबलाइजेशन यूज की जाती है, और उसमें कौन सी मेटल यूज की जाती है फ्रेंड्स, जिंक, जिंक प्लेटिंग को, जिंक की प्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर। नेक्स्ट फोर्स इज कैप्टन, तो इसका राइट आंसर रहेगा कोल्ड वाटर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस में यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो उनको बायोकैटलिस्ट बोला जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बट इज ब्लू बिट्रॉल, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट एक्सिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज फॉस्फोरस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइस क्रीम इट्स अदर एंड, तो अगर वुडन है, वुडन स्पून है, तो ऑब्वियसली है नॉन कंडक्टर होगा, तो राइट ऑप्शन इज डी, डज नॉट बिकम कोल्ड, कोई कंडक्शन नहीं होगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एन आयरन बॉल एट 40 degrees Celsius इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर 40 degrees Celsius, द हीट बिल, तो इसका नो फ्लो होगा क्योंकि दोनों में टेम्परेचर सेम है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी, दैट इज 5-8% एसिटिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज और नोबल गैसेज बोला जाता है इनको। दो क्वेश्चन आपके और से आगे हुए हैं, सिनावारीज़ ए एन ओर ऑफ, तो किसका है, मरकरी का, एच जी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ पॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली सोडियम जो है वो कटाइनिक स्पीसीज है, क्लोरीन जो है वो अनायनिक स्पीसीज है, तो इसमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोसेस इंप्लाइड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज, तो इसके लिए फोर्थ पोलोटेशन प्रोसेस यूज की जाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बट इज द कॉमन नेम ऑफ कॉम्पाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बट इज द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन, तो दैट इज न्यूट्रल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट और का एक और क्वेश्चन आ गया, चीफ ओर ऑफ आयरन इज, तो दैट इज हेमेटाइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, तो ये एलोए का एक क्वेश्चन है, इसमें कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं, आयरन, क्रोमियम एंड निकल, तो राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 42, इन विच सॉल्यूशन गोल्ड इज सॉल्वल, तो ऑब्वियसली एक्वारजिया में सॉल्वल होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एक्वारजिया को रॉयल वाटर भी बोला जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स और मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स को ये डिसॉल्व कर लेता है. नेक्स्ट, विच मैथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, तो दैट इज एवेपोरेशन. एवेपोरेशन को यूज करके हम वाटर को एवेपोरेट कर देंगे और सॉल्ट सेपरेट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 44, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर इज टू, तो ऑब्वियसली एसिड और वाटर का सॉल्यूशन बनाना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्योंकि वाटर में ही सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, एसिड्स के अंदर वाटर नहीं डाला जाता है, क्योंकि लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पॉलीकॉट इज ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग, तो राइट आंसर इज डी, दैट इज पॉलिएस्टर एंड कॉटन. क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिंग, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज मेलामाइन. क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट स्टेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज, दैट इज बेकलाइट, इट्स ऑल्सो ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिंग. क्वेश्चन नंबर 48, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम, तो इसका राइट आंसर रहेगा कोक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पैराफिन बैग्स भी मिलती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी, और पेट्रोल भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डक्टाइल मटेरियल, तो ऑप्शन अगर आप जाते हो तो सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल से ऑब्वियसली डक्टाइल होंगी, तो सल्फर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 51, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे आर अपोजिट डायरेक्शन बट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पैली कंडक्टर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मटेरियल और लेंथ पे ही डिपेंड करेगा, थिकनेस का कोई रोल नहीं होता है इसमें. नेक्स्ट, इफ यू हैव टू चेंज ए फ्यूल साउंड टू ए लॉर्ड साउंड, देन रिक्वायर्ड चेंज इज टू इंक्रीज इट्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज एम्पलीट्यूड. अगर आपने एम्पलीफायर सुना होगा, एम्पलीफायर जो यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डीजेस वगैरह में, तो वो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है साउंड की, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो राइट आंसर इज बी, एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ. क्वेश्चन नंबर 55, यू हैव ए स्टोरी वार मैग्नेट मेड ऑफ स्टील, इफ यू कट दिस मैग्नेट इन टू थ्री आइडेंटिकल पार्ट्स देन यू गेट, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज थ्री आइडेंटिकल मैग्नेट हमें मिल जाएंगे. नेक्स्ट, व्हेन वाइट लाइट प्रोसेस थ्रू प्रिज्म द कलर विच बेंड द लिस्ट इज रेड, रेड जो कलर होता है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है और सबसे कम बेंड होता है, बेंडिंग कम होती है उसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, लेबोरेटरी थर्मामीटर शोज फाइव स्मॉल डिविजन्स बिटवीन मार्किंग ऑफ 50 and 51, दिस मीन्स द थर्मामीटर कैन रीड करेक्टली अप टू, तो आप अगर इसको देखते हो तो इसमें क्या आएगा 50.8 के बाद आएगा 51, ठीक है, तो इसमें कौन सी रीडिंग करेक्ट आ रही है हमारी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 50.2 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द SI यूनिट ऑफ क्लोरीफिक वैल्यू इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा यूल, किलो पर किलोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ फॉलोइंग प्लैनेट्स हैड नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन, तो इसका राइट आंसर रहेगा वेनस, शुक्र का कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है.
क्वेश्चन नंबर 60, पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव. तो राइट ऑप्शन इज कनकेव लेंस. कनकेव लेंस की जो पावर होती है दैट इज नेगेटिव. तो ये था आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं इन सेक्शंस में ज़रूर बताएं. थैंक यू.